तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीटी 1 के स्कोर से। यह है यहाँ पे मेरा सीबीटी 2 का रिजल्ट है। 75 में से लोग कई लोग 23 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक भी करेक्ट आंसर नहीं कर पाए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और आज वीडियो में हम बात करेंगे अपने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के मार्क्स के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग एएलपी का जो मार्क्स है मेरा देखना चाहते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ था और अभी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है एएलपी के जॉब को लेकर के, जिसमें मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताया है। तो बहुत से लोग वहाँ पे थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए हैं डिसएडवांटेज को जान करके, लेकिन वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सबसे पहले आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक जॉब होनी चाहिए। मैंने उस वीडियो में कहा है कि अगर आपके पास इसके अलावा ऑप्शन है तो आपको उसको चूज करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए आपको जॉब लेने की। तो आपको प्रिपरेशन ज़रूर करना चाहिए। मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि आपको प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, सभी लोग प्रिपरेशन करिए। तो उसी से रिगार्डिंग मैंने सोचा कि अब अगला जो वीडियो होगा वो मैं अपने ही मार्क्स जो है आपको दिखाऊं, जो एएलपी में मैंने सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में पाए हुए थे, जिसमें मैं अपने पार्ट बी के भी मार्क्स अब मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा जो पार्ट बी में जो ट्रेड था वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था, तो उन दोनों के मार्क्स आप देखेंगे, क्योंकि सीबीटी 2 का जो मार्क्स था, जो रिजल्ट था, वो दो बार आया हुआ था। क्योंकि पहला जो रिजल्ट था उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत थे, तो उसको भी इग्नोर करके दोबारा जो है उसका रिजल्ट निकाला गया था। तो उसको भी मैं वहां पे दिखाऊंगा और आगे आने वाले वीडियोज में मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आपको डेली का टारगेट रखना चाहिए। क्योंकि अभी वैकेंसी आई नहीं है और वैकेंसी जब आती है उसके बाद से फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म के बाद सीबीटी 1 होता है और सीबीटी 1 जनरली नॉर्मली जो है आपका क्वालिफाइंग होता है, तो उतना नंबर तो आप पा जाते हैं। सीबीटी 1 में उतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। मेन जो आपका रिजल्ट बनता है सीबीटी 2 को लेकर के बनता है, जिसमें आपका मेन पार्ट होता है पार्ट ए, और पार्ट ए में सीबीटी 1 में जो सिलेबस होता है उसमें 2-3 सब्जेक्ट और इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये सब्जेक्ट आपका उसमें इंक्लूड हो जाता है। बाकी पार्ट बी भी बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि वो अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया, 33% नंबर आपने नहीं लाए, तो पार्ट ए में आप कितना भी नंबर लाएं आपको उसमें मायने नहीं रखता है, आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद से जो प्रक्रिया है साइको की, उसको भी आपको क्वालिफाई करना होता है और उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं। 70% पार्ट ए के जुड़ते हैं और 30% जो मार्क्स हैं वो आपके साइको के जो मार्क्स हैं उसको जोड़ करके ही आपका फाइनल रिजल्ट मेरिट बनाया जाता है। बाकी टेक्नीशियन के लिए आपको बस सीबीटी 2 के पार्ट ए के मार्क्स ही जरूरी हैं, टेक्नीशियन के लिए साइको का पेपर नहीं होता है। लेकिन टेक्नीशियन के लिए सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के लोग ही उसमें एलिजिबल हैं। तो आइए देख लेते हैं जितने जो मार्क्स हैं मेरे सीबीटी 1 के और सीबीटी 2 के, सभी मार्क्स को हम आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीटी 1 के स्कोर से। सभी लोगों को पता है सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आने होते हैं। तो मेरा सबसे पहले सीबीटी 1 में कितने मार्क्स थे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सीबीटी 1 हुआ था 60 मिनट का पेपर था पूरा, और इसमें 75 क्वेश्चन आए हुए थे। 75 क्वेश्चन में मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, देखिए यहाँ पे 49 नंबर रॉ मार्क्स टोटल है मेरे, 49 नंबर, और मेरा नॉर्मलाइज प्रो रेटेड स्कोर है मेरा 66 और नॉर्मलाइज मार्क्स मेरा है 72। शॉर्टलिस्ट किया गया है मुझे सीबीटी 2 के लिए। तो और मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था जो पार्ट बी में मैं सीबीटी 2 में दूंगा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लिखा हुआ है। रॉ मार्क्स मेरा मैंने टोटल जो है करीब 55 के आसपास मैंने अटेम्प्ट किया था। मैं बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं किया था और मैं सोच रहा था बस इसमें क्वालिफाइंग है तो इतने से काम बन जाएगा, और जाहिर सी बात है 55 अटेम्प्ट किया था मेरा, 49 के आसपास में था और नॉर्मलाइज स्कोर पे ही सिलेक्शन हो रहा था। तो गोरखपुर जोन में मुझे जहाँ तक लग रहा था 25 के आसपास में ही जो है सी बी टी 2 के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स था। बाकी कई जगहों पर 30+ भी था, 40 के आसपास में भी था, कई कई जगह पर उससे भी ज़्यादा था नॉर्मलाइज स्कोर के लेकर के, लेकिन सिलेक्शन जो था सी बी टी 2 के लिए क्वालिफिकेशन नॉर्मलाइज स्कोर से ही किया जा रहा था। नॉर्मलाइज स्कोर हमेशा जो है प्रोरेटेड जो मार्क्स होता है उससे ज़्यादा ही होता है। तो अभी नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया इस बार हो सकता है कुछ चेंजेस देखने को मिले, लेकिन जो मेरा मार्क्स था सी बी टी 1 में वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब इसके बीच में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला था, कई बार सी बी टी 1 को लेकर के भी रिजल्ट में बहुत ज़्यादा देरी भी हुई थी, तो उसके बाद सी बी टी 2 का मार्क्स मैं यहाँ पे आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। लेकिन इस बीच में जो मैंने पढ़ाई किया था सी बी टी 1 और सी बी टी 2 के बीच में, तो उसमें सिर्फ क्या करना था, मैंने ए एल पी के जो सी बी टी 1 के पेपर हुए थे उसको ही मैंने सिर्फ इसमें कवर किया था, और उसके बाद से सी बी टी 2 के लिए और भी जो सब्जेक्ट इंक्लूड हो गए थे, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया था और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें इंक्लूडेड था। फिर उसके बाद से आपको उसमें पार्ट बी में
आपको अपना कोई टेक्निकल पोर्शन जो था उसको भी आपको पढ़ना था, जिसका असल मतलब चूज आपको पहले ही करना था, बाद में इसको नहीं करना था। तो मैंने पहले ही किया हुआ था, इलेक्ट्रीशियन मेरा टेट था, तो पार्ट बी के लिए मुझे यही पढ़ना था। इस बार पिछली बार ये हुआ था कि जब CVT1 का आंसर की आ गए थे, फाइनल रिजल्ट आंसर की आने के बाद एक बार वेबसाइट खुली हुई थी कि अब आपको जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा था कि कौन से जोन में आपको फॉर्म भरना था, लेकिन अब आने वाले समय में जोन का जो सिलेक्शन है वो पहले ही हो जाएगा। तो पिछली बार जो LP में जोन का सिलेक्शन CBT1 पेपर के बाद हुआ था, तो ऐसा आगे आने वाले एग्जाम में तो नहीं होगा। तो ये था CBT1 का जो मेरा मार्क्स था, बाकी अब मैं CBT2 के पार्ट ए और पार्ट बी के जो दोनों मार्क्स हैं मैं आपको वहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यह है यहाँ पे मेरा CBT2 का रिजल्ट है ये, और इसमें देखिए मैंने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 83 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था। टोटल मेरे 77 क्वेश्चन इसमें सही थे, 77, और जो गलत क्वेश्चन थे वो 6 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे गलत थे। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इग्नोर किया गया था अभी 0 था, क्योंकि देखिए जो CBT2 का रिजल्ट था वो दो बार आया था, दोबारे में कई क्वेश्चन कई पेपरों में इग्नोर भी किए गए थे, तो वो भी रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा। तो 83 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ था, 77 मेरे करेक्ट आंसर थे, 6 क्वेश्चन मेरे गलत थे। तो मेरा टोटल रॉ मार्क्स जो वो 75 नंबर बन रहा था, क्योंकि सभी को पता है 6 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं, 1/3 अगर आपका मार्क्स माइनस होगा तो 2 नंबर और आपके माइनस हो जाएंगे। तो 77 क्वेश्चन आप सही किए हुए हैं तो 2 नंबर और उसमें आपका कट जाएगा, तो 75 नंबर आप आउट ऑफ 100 यहाँ पे आपने गेन किया हुआ है। देखिए CBT2 का जो पार्ट ए का पेपर है 100 क्वेश्चन का पेपर हुआ था, 90 मिनट आपको टाइम मिला हुआ था, तो लगभग टाइम सफिशियंट था। और कई लोग मतलब पेपर को एक बार के बाद भी दोबारा भी आपके पास समय बचा हुआ था कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के लिए, टाइम बच गया था। अब देखिए यहाँ पे 75 क्वेश्चन मेरे रॉ मार्क्स थे, अब उसको जब नॉर्मलाइज किया गया था तो 81.25 नंबर मेरे इसमें नॉर्मलाइज मार्क्स हो गए थे। और मेरा जो एग्ज़ाम ट्रेड था इलेक्ट्रीशियन, सभी लोगों को पता है, मैंने बताया ही था। तो अब मेरा मैं बता देता हूँ कि पार्ट बी में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था उसमें कितना मेरे मार्क्स थे। देखिए जब CBT2 का पेपर हो रहा था मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ था कि जो पार्ट बी था उसको क्वालिफाई करना ही था, क्योंकि अगर पार्ट बी जो भी आपने ट्रेड चूज किया है अगर उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका CBT1 में जो पार्ट ए में CBT2 के पार्ट ए में जितना भी नंबर अगर आप पाते हैं तो वो मायने नहीं रखता है। कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनके नंबर 70 प्लस थे, 80 प्लस के आसपास भी नंबर थे, और वो लोग पार्ट बी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बल्कि पार्ट बी में भी नॉर्मलाइजेशन था, सिर्फ 33% मार्क्स लेकर के आने थे, वो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात की जा रही है। मतलब अगर मैं कहूँ 75 क्वेश्चन पार्ट बी का हो रहा था, 75 क्वेश्चन में आपको अगर रॉ मार्क्स की बात करूँ तो 27 नंबर के आसपास में अगर नंबर आप लाते हैं तो आप बिना नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन कई लोग नॉर्मलाइज होने के बाद भी जो है 27 नंबर नहीं ला पाए थे और उनके पार्ट ए में अच्छे नंबर्स थे, तो पार्ट बी को आपको इग्नोर नहीं करना है। अब मैं दिखा देता हूँ कि पार्ट बी में मेरे मार्क्स कितने थे। यह है मेरा पार्ट बी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मैंने चूज किया था, मेरा बीटेक भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से था तो मैंने इलेक्ट्रीशियन चूज किया था क्योंकि इससे मुझे बेनिफिट मिलने वाला था। और कई दिनों से मैंने ये ट्रेड नहीं पढ़ा हुआ था, काफ़ी दिनों से छूटा भी था, तो मैंने इस पे ज़्यादा ध्यान भी दिया था क्योंकि सबसे पहले तो प्राथमिकता आपकी यही होनी चाहिए कि कम से कम पार्ट बी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मैंने देखिए इसमें टोटल अटैम्प्ट कितने किए हैं, 45 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया, 32 मेरा यहाँ पर सही है। टोटल जो गलत क्वेश्चन है वो 13 क्वेश्चन गलत है। तो मुझे आज भी याद है मैंने एक बार में जब एक राउंड मैंने पेपर दिया था, देखिए 75 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और आपके पास जो समय है यहाँ पे 60 मिनट का समय मिलेगा पार्ट बी में, और वो अलग शिफ्ट में पेपर नहीं होता है। जब पार्ट ए का पेपर कंप्लीट हो जाता है 20 में 15 मिनट का गैप रहता है, सेम डेस्कटॉप पे बैठे रहते हैं, 15-20 मिनट का शायद आधे घंटे का इतना गैप था, उसके बाद से आप तुरंत जो है पार्ट बी का पेपर वहाँ पे खुल जाता है और आपको एक ही बैठे दोनों पेपर आपको देने रहते हैं। तो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन थे, मैंने टारगेट पहले से ही बनाया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन या 40 प्लस क्वेश्चन के आसपास में करूँगा, जिससे कम से कम मैं रॉ मार्क्स के आधार पे कम से कम 75 में 27 नंबर प्लस मैं अपना लेकर के आऊँ। तो मैंने पहले अटेम्प्ट में करीब 35 क्वेश्चन के आसपास मैंने किया हुआ था, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि 5 से 6 क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा माइनस हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन और गेस मुझे करना चाहिए। तो मैंने कम दूसरी राउंड में जो 50-50 गेस लग रहा था उसमें भी मैंने बढ़ा करके 35 से मैंने सीधे 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ज़्यादा नहीं किया। बहुत से लोगों ने इसमें भी 75 क्वेश्चन में कई लोग 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 50 प्लस, 55 प्लस, तो जिसको जितना
आएगा अपने अपने सिलेबस में, क्योंकि सबका ट्रेड अलग अलग होता है, तो अलग अलग जितना जिन लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से उन लोगों ने अटेम्प्ट किया। तो इसमें इसके मार्क्स तो जुड़ने नहीं थे, तो बस आपको सिर्फ क्वालिफाई करना था। तो पहले कई दूसरा बार जब रिजल्ट इसका भी दूसरी बार आया था रिजल्ट, तो इसमें भी बहुत सारा जो है कॉन्ट्रोवर्सी चली थी कि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो बाद में नॉर्मलाइजेशन हुआ था इसमें भी। तो देखिए 45 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, टोटल 32 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे, 13 क्वेश्चन मेरे गलत थे। तो मेरा रॉ मार्क्स जो है देखिए 27 नंबर मेरे रॉ मार्क्स थे। अब देखिए 27 नंबर अगर एग्जैक्ट देखा जाए, अगर आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं, तो 75 क्वेश्चन में 27-33% नंबर के आसपास में ही है और एकदम आप कट ऑफ पे ही हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया था कि मेरा मतलब कट ऑफ से थोड़ा सा पॉइंट में ही ज़्यादा था, लेकिन मैं रॉ मार्क्स के आधार पर मैं क्वालिफाई हो गया था। लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन और मेरे सही थे, तो मैंने दोबारा इसमें ऑब्जेक्शन किया था, जो आपको टाइम मिलता है उसमें ऑब्जेक्शन करने के लिए। तो अब दोबारा भी CBT 2 का पार्ट बी और पार्ट ए दोनों का रिजल्ट फिर से एक बार और आया था, कुछ गलतियां उसमें थी तो उस क्वेश्चन को इग्नोर किया गया था, कुछ क्वेश्चन अगर गलत चेक हुए थे तो उसको भी सही करके रिजल्ट आया था। तो फाइनल रिजल्ट मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं, ये है फाइनल रिजल्ट। और जब फाइनल रिजल्ट निकल के आया था तो CBT 2 में पार्ट ए में मेरे टोटल अटेम्प्ट 82 हो गए। क्यों? अभी मैंने 83 अटेम्प्ट किया हुआ था, 82 इसलिए हो गए कि एक क्वेश्चन को यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया था, एक क्वेश्चन को इग्नोर किया गया, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो 5 हो गए। मतलब जो क्वेश्चन मैंने गलत किया था, 6 क्वेश्चन मैंने गलत किए थे, तो उसी में से एक क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया। अब उस एक क्वेश्चन को इग्नोर किया गया तो मेरे नंबर ऑफ जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो एक कम हो गए, बाकी अटेम्प्ट क्वेश्चन को भी एक कर दिया गया। मतलब अब टोटल मेरा जो है वैलिड क्वेश्चन 99 हो गया, और उसमें से 77 जो मेरा करेक्ट था वो तो मेरा करेक्ट था ही था। अब यहाँ पे जो 75 नंबर बन रहे थे उसमें थोड़ा सा और इजाफा हो गया, 75.33 हो गया। तो ये अब आउट ऑफ 100 जब निकाला गया, देखिए आउट ऑफ 99 है ये 75.33, अब आउट ऑफ 100 किया गया तो 76.094 हो गया। अब इसको नॉर्मलाइज स्कोर किया गया तो पिछली बार में तो मेरा 81 के आसपास में था, लेकिन अब जो है दूसरी बार जब रिजल्ट आया था तो 80.95 के 95 मेरा इतना स्कोर हो गया था नॉर्मलाइज मार्क्स, तो पहले वाले से थोड़ा सा तो कम ही हो गया था। तो ये रहा मेरा जब पार्ट ए का जो मार्क्स था, ये हो गया। अब पार्ट बी में भी थोड़ा करेक्शन था, उसको भी देख लेते हैं। CBT 2 के पार्ट बी में मेरा टोटल अटेम्प्ट 45 था, 34 क्वेश्चन टोटल करेक्ट हो गए, यहाँ पे टोटल रॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ पे 11 हो गए, जो अभी 13 क्वेश्चन गलत थे, अब दो क्वेश्चन और मेरे जो उसमें से सही हो गए 34 हो गए। अब मेरा जो रॉ मार्क्स था वो 27 नंबर के आसपास में था, वो अब बढ़ के 30 नंबर हो गया था। अब यहाँ पे तो रॉ मार्क्स के आधार पे मैं एकदम श्योर था कि मेरा पार्ट बी तो क्वालिफाई हो ही गया एकदम क्लियर। लेकिन अगर नॉर्मलाइज स्कोर की बात की जाए तो प्रो रेटेड आउट ऑफ 100 तो 40 है, और नॉर्मलाइज स्कोर मार्क्स जो है मेरा 51 के आसपास में है, 51.65। तो 51 तो एकदम बिल्कुल क्लियर है, आपको नॉर्मलाइज स्कोर ही आपका 27 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन सोचिए आप, मतलब अगर कहूँ कि मैंने 34 क्वेश्चन करेक्ट किए हुए थे, अगर मान लीजिए अगर आपका रॉ मार्क्स करीब 20-25 के आसपास में भी था, 22-23 भी आसपास में था, तो भी नॉर्मलाइज होकर आपका स्कोर 30 के आसपास में चला जाता, जो कि आपको सिर्फ 27 लेकर के आना था। लेकिन ड्रॉ मार्क्स मतलब 75 में से लोग, कई लोग 23 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक भी करेक्ट आंसर नहीं कर पाए थे, जिनका पार्ट ए में बहुत अच्छा स्कोर था। तो आपको पार्ट बी को कितना सीरियस लेना है आपको पता ही चल गया होगा। तो मैंने भी बहुत सीरियस लिया था इसको, ज़्यादा मैंने पढ़ा था इवन पार्ट ए के कंपैरिजन में ज़्यादा, क्योंकि पार्ट ए में और भी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, बेसिक साइंस हो गया और आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, और बेसिक साइंस में कुछ और चैप्टर भी अच्छे अच्छे इंक्लूड हो जाते हैं, वर्क पावर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया चैप्टर आपका, फिर उसके बाद से थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन इसमें आपको देखने मिलेंगे, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे थे, क्योंकि इसमें जो पार्ट ए में CBT 2 में इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे खासे आ रहे थे, बाकी मैथ्स में भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल आ रहे थे। पेपर जो पहले 75 क्वेश्चन था CBT 1 में, वो बढ़ के 100 क्वेश्चन हो गया था, और ये आपका टाइम जो है 90 मिनट का आपका टाइम मिल गया था, तो टाइम नियर अबाउट सही था। तो ये मेरा पार्ट CBT 2 के पार्ट ए और पार्ट बी के मेरे मार्क्स थे। इसके बाद से जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वालिफाई स्टेटस पर पार्ट बी, यस यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब पार्ट बी में भी मैं क्वालिफाई था, अगर जो लोग क्वालिफाई नहीं थे उनके में नो लिख के आ रहा था। इसके बाद से अब मैं, मेरा रिजल्ट हुआ था तो ये देखिए यहाँ पे जनरेटेड स्कोर जो था 26/4/2019 को ये रिजल्ट निकल के आया था, स्क्रीनशॉट में ये देखिए अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसके बाद से अब साइको का पेपर हुआ, साइको भी मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद से मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद से ज्वाइनिंग हो गई। तो गोरखपुर जोन में जो कट ऑफ था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, कई जोन में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गए थे, इलाहाबाद में भी जितने नंबर पे कट ऑफ अभी वेटिंग क्लियर हो रही है उतने पे हम लोग पहले बैच में थे। मेरा जब फाइनल रिजल्ट बना था तो मेरा मुझे
लगता है कि 80 और 90 के बीच में मेरा रैंक था, मतलब लिस्ट में मेरा नाम था 80 से 90 के बीच में था, एग्जैक्ट मुझे रैंक अभी याद नहीं है। तो ये था मेरा एएलपी में जो CBT 1 CBT 2 के दोनों पार्ट के मार्क्स थे, और इस पर वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, तो लेकिन कई लोग कह रहे थे जो लोग नए जुड़े हुए थे, क्योंकि उस समय जब वीडियो बनाया था तो बहुत कम सब्सक्राइबर थे, तो अभी क्या है बहुत से लोग जुड़ गए हैं तो उन्हें ये वीडियो देखने को मौका मिलेगा। और कोई भी अगर डाउट्स होगा इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बहुत से लोग जो इंस्टाग्राम पे मुझको नहीं जानते हैं तो वो आप सर्च कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे दिया हूँ, बाकी आप सर्च कर सकते हैं @thestudent.study नाम से, वहाँ पे हमारा पेज है, वहाँ पे छोटे छोटे अपडेट्स मैं आपको वहाँ पे देता रहता हूँ, जो मैसेजेस के थ्रू हैं कुछ डाउट्स रहते हैं वो भी मुझे समय मिलता है तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर के फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का भी ग्रुप है, वो आप जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो और भी अगर कोई क्वेरी होगा और मैं आगे फर्दर इसके सिलेबस, उसकी तैयारी कैसे करनी है, हर एक फेज की तैयारी कैसे करनी है, वो सब मैं आपको बताता रहूँगा, कैसे आपको डेली टारगेट रखना है वो सब मैं आपको बताता रहूँगा, मैं एक प्रॉपर वे में प्लान बना रहा हूँ और मैं लिख करके पूरा रख रहा हूँ कि आपको डेली बहुत थोड़ा थोड़ा टारगेट मैं दूंगा, आप उतना भी पढ़ेंगे तो आपका पेपर एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको कैसे देना है सब चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, तो आपके लिए एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रह जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में अपने शेयर करते रहिए, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।